हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स जियोग्राफी का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मैप्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें मैप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा मैप्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, स्केल, डायरेक्शन, और हम देखेंगे कि स्केच और प्लान्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास सिक्स जियोग्राफी का फोर्थ चैप्टर मैप्स। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि ये मैप्स होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब हम अपनी पूरी अर्थ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि हमें ये स्टडी करना है कि हमारी पूरी अर्थ में किस तरीके से विंड्स चलती हैं और किस तरीके से मॉनसून आता है अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइम पे। तो जब हमें पूरी अर्थ को स्टडी करना हो, एक बार में जब हमें पूरी अर्थ के बारे में देखना हो, उस टाइम पे ग्लोब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि ग्लोब में हम पूरी अर्थ को एक बार में देख सकते हैं। लेकिन जब हमें हमारी अर्थ के किसी एक पार्ट को स्टडी करना हो, जैसे मान लीजिए हमें किसी एक कॉन्टिनेंट को स्टडी करना है, या किसी एक देश को स्टडी करना है, या फिर उस देश के अंदर जो स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के अंदर जो सिटीज़ हैं, जो और भी विलेजेस हैं, जब हमें छोटे लेवल पे चीज़ों को स्टडी करना होता है, उस टाइम पे ग्लोब ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाता, क्योंकि ग्लोब में आप देखते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट्स बहुत छोटे छोटे से नज़र आते हैं, और अगर आप अलग अलग देशों की बात करें तो देश और छोटे से नज़र आते हैं। तो इस वजह से हम ग्लोब में छोटे लेवल की चीज़ें स्टडी नहीं कर सकते, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हो गए, जो कंट्रीज़ हो गए, कंट्रीज़ के अंदर के जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हम ग्लोब में स्टडी नहीं कर सकते। इस वजह से हम इन जगहों के मैप्स बनाते हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। जब हम पूरी अर्थ को एज अ होल स्टडी करना चाहते हैं, उस टाइम पे ग्लोब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हमें अर्थ का कोई एक पार्ट स्टडी करना होता है, जैसे कि किसी देश को स्टडी करना होता है, उस देश के अंदर जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को, उन स्टेट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं, और इसके अलावा जो विलेजेस हैं, जब हमें इन्हें स्टडी करना होता है, उस टाइम पे ग्लोब बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता हमारे लिए। इन सच केसेस वी यूज़ मैप्स। इन केसेस में हम इन जगहों का मैप बनाते हैं। अब मैप क्या होता है? A map is a drawing of the earth or part of it. Map क्या होता है? Drawing of the earth और या तो फिर earth का कोई part. On a flat surface according to scale. जब हम earth के किसी हिस्से को एक flat surface में बनाते हैं according to scale, उसे कहते हैं map. जैसे हमें globe में हमें अपना देश स्टडी करना है, तो हम देखेंगे इंडिया बहुत छोटा सा नज़र आएगा। तो अब इंडिया का जब मैप बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इंडिया का जितना पूरा लैंड मास है उसको एक फ्लैट सरफेस में बनाने की कोशिश करेंगे। फ्लैट सरफेस यानी कि किसी एक कागज़ के टुकड़े में हम उस इतने बड़े जो इंडिया का लैंड मास है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के मुताबिक बनाएंगे, तब उसे कहा जाएगा मैप। अब ये अकॉर्डिंग टू स्केल का क्या मतलब है, इसको हम चैप्टर के थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जो कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है, जो अलग अलग तमाम तरह के मैप्स का जो कलेक्शन होगा, उसे कहते हैं एटलस। और मैप्स प्रोवाइड मच मोर इंफॉर्मेशन दैन द ग्लोब। जो ग्लोब है हमारा, उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैप्स देते हैं, क्योंकि ग्लोब में अगर आप लैंड मासेस देखिए तो सिर्फ मेजर कॉन्टिनेंट्स ही दिखा पाएंगे आप, ज़्यादा उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। जबकि अगर आप मैप्स में देखें तो मैप्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हुए अलग अलग मैप्स बनाए जा सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका का एक अलग मैप, साउथ अमेरिका का अलग मैप, यूरोप का अलग मैप, एशिया का अलग मैप, ऑस्ट्रेलिया का अलग मैप, इसके अलावा
इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर अगर आप अलग अलग देशों को स्टडी करना चाहो, जैसे किसी देश का मैप, उस देश के अंदर जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स का मैप आप देख सकते हो, उन स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग टाउन्स हैं, अलग अलग विलेजेस हैं, तमाम तरह के मैप्स आप देख सकते हो। तो ये जो मैप्स हैं ये हमें कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अगर हम कंपेयर करें ग्लोब से। और मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एटलस ज़रूर खरीदेगा, बहुत पतली सी आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती। और एटलस में जो वर्ल्ड एटलस होती है उसको कभी भी आपके पास खाली टाइम हो तो बस पन्ने पलटते रहिए। एटलस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसे बस खोल के बस पन्ने पलटना शुरू कर दें आपको उसमें खुद से ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा। एटलस पढ़ने के फायदे ये हैं कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी आइडिया लगेगा। जैसे आप अलग अलग तमाम न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि मान लीजिए ग्वेटेमाला में अर्थक्वेक आ गया या फिर कहीं पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जगहें हैं कहाँ पे। तो आप एटलस कभी भी खाली टाइम मिले पन्ने पलटते रहिए, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पता चलता रहेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा उस चीज़ में और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप्स, कि मैप्स कितने तरह के होते हैं। दे आर ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड्स, कि मैप्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला है फिजिकल मैप्स, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो मैप्स नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, जो हमारी अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स हैं, नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेंस की कहां कहां पे पहाड़ हैं, कहां कहां पे प्लेट्यूज हैं, कहां पे प्लेन्स हैं, कहां कहां पे रिवर्स बहती हैं और कहां कहां पे ओशंस हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें जो कि नेचर ने बनाई हैं उन चीज़ों को दिखाने वाले जो मैप्स होते हैं इन्हें कहते हैं फिजिकल मैप। अब जैसे कि आप इंडिया का अगर फिजिकल मैप देखिए तो उसमें बेसिकली यही दिखाया जाएगा कि कहां कहां पे पहाड़ हैं, कहां कहां प्लेन्स हैं, कहां पे नदियां बहती हैं, कहां पे ओशंस हैं, ये तमाम चीज़ें। अब दूसरे तरह के जो मैप्स हैं वो हैं पॉलिटिकल मैप्स, मैप शोइंग सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस। ऐसे मैप्स जो कि दिखाते हैं कि अलग अलग शहर कहाँ पे हैं, अलग अलग टाउन्स कहाँ पे हैं, अलग अलग विलेजेस कहाँ पे हैं, और इसके अलावा जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, और ये चीज़ें दिखाई जाती हैं इनके बाउंड्रीज़ के साथ, विद देयर बाउंड्रीज़ आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। तो मतलब मैप्स शोइंग सिटीज़ टाउन्स एंड विलेजेस of different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. वो चीज़ें जिन चीज़ों को इंसानों ने बनाया है अपनी politics के तहत, कि इस जगह को एक देश बना दिया जाए, इस जगह को दूसरा देश बना दिया जाए, इस देश के अंदर इतने तरह के अलग अलग स्टेट होंगे, इन स्टेट्स के अंदर यहाँ यहाँ शहर होंगे, यहाँ यहाँ पे गांव होंगे, वो चीज़ें जो कि इंसानों ने बनाई हैं, अलग अलग बाउंड्रीज बनाई हैं कि ये स्टेट यहाँ ख़त्म होगा, ये स्टेट यहाँ से शुरू होगा, इन सारे मैप्स को कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिक्स से जो मैप्स बने हैं, क्योंकि भगवान ने तो आके नहीं बनाया ना कि यहाँ पे ये देश रहेगा, यहाँ पे ये शहर होगा, यहाँ पे ये गांव होगा, ये स्टेट होगा, इस तरीके से अलग अलग देश होंगे और इस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट से, भगवान ने नहीं आके बनाया। भगवान ने क्या बनाया? फिजिकल मैप्स, कि यहाँ पे पहाड़ हो गए, यहाँ नदियाँ हो गए, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि फिजिकल मैप कौन सा है, पॉलिटिकल मैप कौन सा है। और अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखो तो उसमें इंडिया की बाउंड्री आपको साफ साफ नज़र आएगी कि कहाँ कहाँ किस किस देश से इंडिया की बाउंड्री मिली हुई है। इसके अलावा इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स नज़र आएंगे आपको। तो सारी बाउंड्रीज जो हैं वो फिक्स्ड हैं, तो इन्हें कहते हैं पॉलिटिकल मैप, मैप शोइंग सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। अब तीसरे तरह के मैप्स हैं थीमैटिक मैप्स, थीमैटिक मैप्स यानी कि जिनका कोई थीम होता है, जो थीम से ये वर्ल्ड बना है थीमैटिक। अब इसका क्या मतलब कि जिसका कोई थीम होता है। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ मैप्स किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए बने होते हैं, जैसे कि रोड मैप्स,
ऐसे कई मैप्स होते हैं जो सिर्फ रोड्स दिखाते हैं कि कौन कौन सी जगहों में कहाँ कहाँ रोड्स बनी हैं। रोड्स बनी हैं में मतलब ये भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ हाईवे गए हैं, नेशनल हाईवे, कहाँ कहाँ स्टेट हाईवे गए हैं और अलग अलग गलियाँ किस तरीके से निकलती हैं। किसी शहर का रोड मैप हो सकता है, किसी स्टेट का रोड मैप हो सकता है। इसके अलावा जो रेनफॉल मैप्स हैं, ऐसे मैप्स जो कि ये दिखाते हैं कि अलग अलग जगहों में रेनफॉल कितनी कितनी हुई, कहाँ पे कम बारिश हुई, कहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई। इसके अलावा मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कि अलग अलग जगहों में कहाँ कहाँ जंगल हैं, कहाँ पे घने जंगल हैं, कहाँ पे जंगल थोड़े कम हैं। इंडस्ट्रीज़ कि किसी बहुत बड़े एरिया में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं और अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं। कि अच्छा ये लेदर इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे है, तो एक मैप बना दिया गया देश का कि हाँ यहाँ यहाँ पे लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ यहाँ पे लोहे की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये जो अलग अलग थीम पे जो मैप्स बनाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर थीम को लेके कि हमें ये दिखाना है कि अलग अलग जगहों में रोड कहाँ कहाँ पे हैं या किसी जगह में बारिश किस तरीके से हो रही है या किसी जगह में जंगल कहाँ कहाँ किस तरीके से हैं। तो जब हम एक थीम पकड़ लेते हैं कि हमें ये दिखाना है, इसे कहते हैं थीमेटिक मैप्स। अब हमारा अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स कि जो मैप्स हम बनाते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो अब जो पहला कंपोनेंट है वो है डिस्टेंस। मैप्स आर ड्रॉइंग्स विच रिड्यूस लार्ज पोर्शंस ऑफ द लैंड टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो मैप होते क्या है, बेसिकली मैप ड्रॉइंग्स होते हैं जिसमें विच रिड्यूस लार्ज पोर्शंस ऑफ द लैंड, बहुत बड़े लैंड के पोर्शंस को रिड्यूस किया जाता है कि वो कागज के छोटे से टुकड़े में ड्रॉ किए जा सकें। तो इसे कहते हैं मैप्स इन विच वी रिड्यूस लार्ज पोर्शंस ऑफ लैंड टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब जब इतने बड़े लैंड मासेस को रिड्यूस किया जाता है एक कागज के टुकड़े में, तो बहुत केयरफुली किया जाता है जिससे कि जो डिस्टेंस होगी प्लेसेस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस जो हैं वो रियल है। अब इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब मान लीजिए हम हमारे देश का मैप बना रहे हैं, तो जितना बड़ा हमारा देश है उतने बड़े देश का हम एक ड्राइंग बना रहे हैं जिससे कि वो एक छोटे से कागज के टुकड़े में बनाया जा सके, उसे कहेंगे मैप। अब इतने बड़े देश का हम जब एक छोटा सा मैप बनाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो डिस्टेंस होगा अलग अलग जगहों के बीच में वो रियल रहे। रियल यानी कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ पाओगे। मान लीजिए ये हमारा देश है और इस जगह में मान लीजिए कोई एक शहर है ए और दूसरा शहर है मान लीजिए बी, और ए और बी के बीच में मान लीजिए 100 किलोमीटर का फर्क है और ए के जस्ट नीचे एक तीसरा शहर है सी और ए और सी के बीच में मान लीजिए 200 किलोमीटर का फर्क है। अब ये तो असली जो देश है हमारा, मान लीजिए ये उसमें है, तो जब इसका मैप बनाया जाएगा एक कागज के टुकड़े में, जब हमारे देश का मैप बनाया जाएगा तो इस तरीके से बनाया जाएगा कि जब किसी भी पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए अब ये ए बनाया गया, तो ए और बी के बीच में अब 100 किलोमीटर का फर्क है, तो कागज के टुकड़े में दिखाना है तो आपको बहुत कम जगह मिलेगी। तो अगर ए और बी के बीच में मान लीजिए आपने मैप बनाते वक्त 1 सेंटीमीटर का गैप दिया है कि ए और बी के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो ए और सी के बीच में आप 2 सेंटीमीटर का गैप दोगे, और अगर इन केस आप ए और बी को इस तरीके से बना रहे हो इस जगह को कि ए और बी के बीच में मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का गैप है,
तो उस केस में ए और सी के बीच में आप गैप रखोगे 4 सेंटीमीटर का। आप रेशियो वही रखोगे, जिस रेशियो में आप कोई भी डिस्टेंस बनाओगे सारी डिस्टेंसेस उसी रेशियो में रहेंगी, जिससे कि जो असली डिस्टेंसेस हैं और जो मैप की डिस्टेंसेस हैं वो तकरीबन उनका लोकेशन एक जैसा रहे, कि आप मैप में देख के जान सको कि हाँ ये जगह इस जगह से इतनी दूर है और ये जगह इस जगह से इतनी दूर है। इस वजह से मैप जब बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रिसिजन के साथ बनाया जाता है, कि बिल्कुल पूरा जिस तरीके से देश को मिनिमाइज किया जाएगा तो उसकी आप अंदर की जितनी जगहें हैं वो सेम रेशियो में आए। इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्जर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मैप बनाने का ये जो तरीका है तभी पॉसिबल है जब कागज का एक छोटा सा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा ग्राउंड के एक बहुत बड़े डिस्टेंस को, और इसी चीज को कहा जाता है स्केल। तो स्केल क्या होता है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं स्केल का, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर्स। आपके घर के बीच में और आपके स्कूल के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स असलियत में ऑन ग्राउंड। अब ये क्या है? ग्राउंड में हकीकत में 10 किलोमीटर का गैप है आपके घर और आपके स्कूल के बीच में। अब इस चीज़ को आपको एक मैप में दिखाना है तो आपको छोटी जगह में दिखाना पड़ेगा, कागज़ के टुकड़े में। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अब आपने एक मैप बनाया है कागज़ के टुकड़े में जिसमें आपने अपने घर और अपने स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर में दिखा दिया है। तो इस केस में आपने क्या किया? 2 सेंटीमीटर में आपने 2 सेंटीमीटर के अंदर आपने कितना डिस्टेंस दिखा दिया? 10 किलोमीटर्स का। तो इसका क्या मतलब कि आपने 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहे हो। अब इसका क्या मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर्स? कि आपके मैप का हर सेंटीमीटर ग्राउंड का 5 किलोमीटर दिखा रहा है। इसे कहा जाएगा स्केल। इट मींस 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। कि मैप में जितनी जगह 1 सेंटीमीटर लेता है उतनी जगह वो दिखा रहा है जो कि ग्राउंड में 5 किलोमीटर्स के बराबर होगी। Thus, the scale of the drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometers. तो ये जो चीज़ है इसे कहा जाएगा रेशियो। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर्स 10 किलोमीटर्स दिखा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा? 10 divided by 2। और ये जो हम कर रहे हैं 10 divided by 2 यानी कि जो ग्राउंड में डिस्टेंस है असलियत में और जितना डिस्टेंस आपको मैप में दिखाया जा रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको कहा जाता है स्केल। इफ वी नो द स्केल वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द मैप। अगर हमें किसी भी मैप का स्केल पता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अब आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम हमारे देश का एक मैप लेते हैं, और हमारे देश का क्या, इनफैक्ट मान लीजिए हम कोई भी मैप लेते हैं, कोई फ़र्ज़ करिए हम एक मैप लेते हैं जिसमें किसी भी जगह के बारे में बना हुआ है, और उस जगह की स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर मान लीजिए 100 किलोमीटर्स कि इस मैप का 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर्स दिखा रहा है। इस जगह में एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी।
अब हमें जानना है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है असलियत में। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे और ए और बी के बीच का डिस्टेंस देखेंगे कितना है। मान लीजिए उस मैप में हमने डिस्टेंस देखा और ए और बी के बीच का डिस्टेंस आया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 2.5 सेंटीमीटर। अब स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर के इतना दिखा रहा है 100 किलोमीटर। तो आप खुद से सोचिए, 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर दिखा रहा है तो 2.5 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, मतलब 250 किलोमीटर्स। कि ए और बी के बीच में मैप में अगर 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो इसका मतलब असलियत में उन दोनों के बीच में 250 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। इस तरीके से अगर हमें किसी भी मैप का स्केल पता है तो हम उस मैप के दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको देखकर ये पता लगा सकते हैं कि असलियत में उन दोनों जगहों के बीच की जो डिस्टेंस है ऑन ग्राउंड वो कितनी होगी। तो इस वजह से ये जो स्केल है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आप इंडिया का एक मैप ले सकते हैं, उस मैप के सबसे ऊपर आपको स्केल दिखेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर्स। और अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि मान लीजिए दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है, तो आप एक स्केल लीजिए, एक तरफ स्केल को लगाइए बॉम्बे पे, दूसरी तरफ उस स्केल को लगाइए दिल्ली पे। जितने सेंटीमीटर्स वो स्केल दिखाएगा उतने सेंटीमीटर्स के मुताबिक आप उस मैप का स्केल देखकर पता लगा सकते हो कि दिल्ली और बॉम्बे के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं स्केल का। अब हमारा अगला टॉपिक है लार्ज एंड शॉर्ट स्केल मैप्स। कि अब स्केल जो होता है ये भी दो तरह का होता है, एक लार्ज स्केल और एक शॉर्ट स्केल। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर शोन ऑन पेपर देन वी यूज अ स्मॉलर स्केल। जब लार्ज एरियाज दिखाने होते हैं हमें, जैसे कि हम किसी कॉन्टिनेंट को दिखा रहे हों या किसी कंट्री को दिखा रहे हों, जब हम इतने बड़े एरियाज को एक छोटे कागज़ के टुकड़े में बनाते हैं तो हम एक छोटा स्केल यूज़ करते हैं। छोटा स्केल यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड, इट इज़ अ स्मॉल स्केल मैप। अब हम जब किसी बड़े एरिया को दिखा रहे होते हैं मैप में, तो होता क्या है, इतने बड़े एरिया को एक मैप में दिखाते हैं तो उस मैप में छोटा सा डिस्टेंस दरअसल में बहुत बड़ा डिस्टेंस दिखा रहा होता है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर क्या पता 500 किलोमीटर्स दिखा रहा हो, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा होगा, 100 किलोमीटर्स। समझ रहे हैं, तो इसकी स्केल क्या होगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। तो इसे कहेंगे स्मॉल स्केल मैप। कि स्केल जो है ये थोड़ा सा छोटा है डिस्टेंस के कंपैरिजन में। और व्हेन अ स्मॉल एरिया, जब एक स्मॉल एरिया हम दिखा रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी गांव को दिखा रहे होते हैं या किसी टाउन को दिखा रहे होते हैं, देन वी यूज अ लार्ज स्केल, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड। जब हम किसी छोटे एरिया को दिखाते हैं, जैसे कि किसी विलेज को या किसी टाउन को, उस टाइम पे हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल यानी कि वो स्केल बड़ा है, स्केल बड़ा है यानी कि वो दरअसल में थोड़ी कम जगह दिखाएगा, जो रियल ग्राउंड में थोड़ी सी कम जगह दिखाएगा, मतलब स्केल बड़ा है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड। कि यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 100 मीटर्स। तो इसे कहेंगे लार्ज स्केल मैप। कि यहाँ स्केल जो है वो बड़ी है अगर हम ग्राउंड के हिसाब से उसे कंपेयर करें तो। यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 100 किलोमीटर्स। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है 100 मीटर्स। तो
इतना बड़ा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, यानी कि स्केल छोटा पड़ रहा है डिस्टेंस के आगे, और यहाँ पे 100 मीटर सिर्फ 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, मतलब स्केल बड़ा है डिस्टेंस के आगे। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, जो बड़े एरिया होते हैं वहाँ पे हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं, और जो छोटे एरिया होते हैं वहाँ पे हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, यानी कि जो छोटी जगहों के मैप्स होते हैं, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं अगर कंपेयर किया जाए स्मॉल स्केल मैप्स से, कि जो शहरों के या गांव देहात के जो मैप्स होते हैं ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं अगर आप किसी कॉन्टिनेंट या किसी कंट्री के मैप से कंपेयर करो तो। तो जो पहला कॉम्पोनेंट ऑफ मैप था वो क्या था? डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ मैप की। जो किसी भी मैप का जो दूसरा कॉम्पोनेंट होता है वो होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि किस दिशा में कौन सी चीज़ है। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस किसी भी मैप में। मैप छोड़िए, हमने जो भी कन्वेंशन बनाया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस रियलिटी में हम रहते हैं, वहाँ पे हमने अपने कन्वेंशंस जो बनाए हैं उसके मुताबिक बेसिकली 4 मेजर डायरेक्शंस हैं हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये 4 डायरेक्शंस हैं। अगर आप देखें तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है इन चारों डायरेक्शंस को। नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ, उसके बाद ईस्ट, वेस्ट और साउथ नीचे की तरफ। अगर आप नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो ईस्ट दिखाएगा। मान लीजिए नॉर्थ इस डायरेक्शन में है और मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा हूँ, तो मेरा राइट हैंड साइड जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन दिखाएगा। तो मतलब नॉर्थ इधर है तो ईस्ट इधर होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये बेसिकली 4 मेन डायरेक्शंस हैं। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनको कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, अब ये क्या है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट यानी कि दो चीज़ों के बीच की जो चीज़ होती है इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। तो जो दूसरे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अब इंटरमीडिएट यानी कि जो मेजर डायरेक्शंस हैं इनके बीच के डायरेक्शंस। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट। दूसरा क्या है? साउथ ईस्ट। साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, तो दूसरा डायरेक्शन क्या होगा? साउथ ईस्ट। तीसरा डायरेक्शन क्या होगा? साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में, ये होगा साउथ वेस्ट। और क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये रहा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब इसी तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जैसे आप कहीं कोई मैगजीन पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें कहा जाता है, इंडिया के अगर बात करी जाए तो कहा जाता है साउथ ईस्ट नेशंस। तो साउथ ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में। अब ये सारे कॉन्वेंशंस हम कहाँ से फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं ब्रिटिशर्स के। तो अगर ब्रिटेन की नज़र से देखा जाए तो इंडिया कहाँ पे है? पहले तो ईस्ट की तरफ और उसमें फिर साउथ की तरफ। तो इंडिया को माना जाता है साउथ ईस्टर्न पोर्शन। तो ये रहा साउथ ईस्ट। अब अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में जो बाकी सारे स्टेट्स हैं, बंगाल से भी जो ईस्ट में पड़ते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उन सारे स्टेट्स को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे स्टेट्स हैं, ये टोटल 7 स्टेट्स हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न कहाँ से आया है? नॉर्थ और ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये हो गए बेसिकली आपके 4 डायरेक्शंस और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अगर आप किसी भी मैप को देखो तो, जैसे मान लीजिए कोई भी मैप है,
तो सबसे ऊपर एक एरो बनी रहेगी जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है। अपर राइट हैंड कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर की तरफ एक एरो बनती है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है कि नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है। अब आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ईस्ट इस तरफ होगा, वेस्ट इस तरफ होगा और नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे की तरफ होगा। तो इस जगह में कोई भी आपको मैप मिला होगा तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो अलग अलग डायरेक्शंस का। दिस शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। व्हेन यू नो द नॉर्थ, फाइंड आउट द अदर डायरेक्शंस। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपस। अब हम जब डायरेक्शंस पता लगाने होते हैं तो हम यूज करते हैं कंपस का। हम जैसे मान लीजिए कहीं पे भी हैं, तो अब आज के टाइम में तो चलिए आपके पास फ़ोन है, आप जीपीएस से देख सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ पे है। लेकिन जब फ़ोन्स नहीं थे, जीपीएस नहीं होते थे, तो जो सबसे इजी इंस्ट्रूमेंट होता था किसी भी जगह की डायरेक्शन पता लगाने का, वो होता था कंपस। अभी कंपस क्या होता है? इट्स अ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये एक नीडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। आप जैसे अभी मेरे पास कोई कंपस हो और मैं उसे अपने यहाँ हथेली पे रखूँ, तो वो जिस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होगा उसकी नीडल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिखाएगी, और जहाँ उसकी नीडल दिखा रही होगी समझ जाइए नॉर्थ डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है। और जहाँ आपको नॉर्थ का पता लग गया वहाँ आप सारी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हो। और ये जो कंपस होता है ये डायरेक्शंस कैसे बताता है? जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट की तरह है। हमारी अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिलके एक मैग्नेट बनाते हैं। तो जो छोटे छोटे मैग्नेट्स हमारी पूरी अर्थ में, वो क्या दिखाते हैं? जो नॉर्थ पोल की सुई वो नॉर्थ पोल की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो रहा है वो जो छोटे से कंपस का जो अंदर उसके मैग्नेट है वो। अब कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में सबसे पहले हमने डिस्टेंस की बात करी, डिस्टेंस में बात करी हमने स्केल की, उसके बाद हमने बात करी डायरेक्शंस की, और अब जो तीसरा कंपोनेंट ऑफ मैप है वो है सिंबल्स। इट इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बिल्डिंग्स। अब जब हम एक मैप बनाते हैं, मान लीजिए हमें किसी शहर का मैप बनाना है, अब हमने वो मैप बनाया तो उस मैप में जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी हम बिल्डिंग्स बना के नहीं दिखा सकते। इसके अलावा जो रोड्स होंगी, जो अलग अलग ब्रिजेस होंगे, कहीं पे अगर मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, कहीं पे रेलवे लाइन गुजर रही है, कहीं पे मान लीजिए मंदिर हैं, कहीं पे पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो ये सब तमाम चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी है। किसी भी शहर का मान लीजिए मैप बना रहे हैं तो ये चीज़ें दिखाए बिना उस शहर का मैप अधूरा है, क्योंकि ये चीज़ें जब उस शहर के मैप में होंगी तभी आप उस शहर में या उस जगह में आराम से नेविगेट कर सकते हो, आराम से पता लगा सकते हो चीज़ों का। तो ये चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप एक मैप बनाते हो, मान लीजिए आपने लखनऊ का पूरा एक मैप बनाने की कोशिश करी एक कागज़ के पन्ने में, तो आप हर जगह बना के नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से ट्रेन की लाइन गुजरती है। ये हर चीज़ आप बना के नहीं दिखा सकते हो, इतनी जगह नहीं है उस कागज़ के टुकड़े में, तो किया क्या जाए। तो इस वजह से इन चीज़ों के सिंबल्स बनाए जाते हैं, मतलब छोटा सा कोई निशान, और वो निशान देख के आप समझ जाओगे कि अच्छा इसका मतलब ये है। तो इन तमाम चीज़ों के कई तरीके के क्या किए जाते हैं, कई जगह पे लेटर्स का यूज़ किया जाता है, कई जगह पे कलर्स का यूज़ किया जाता है, पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है, लाइंस का यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं जिससे कि हम डिनोट करते हैं इन तमाम तरह की चीज़ों को। दे गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, एक लिमिटेड स्पेस में, क्योंकि कागज़ के टुकड़े में आपको बनाना है तो कागज़ इनफाइनाइट या अनलिमिटेड नहीं है, एक टुकड़ा है वो कागज़ का, वो लिमिटेड जगह है, उसी में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी है। तो सिंबल्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो एक लिमिटेड स्पेस में। इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया
and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह में जाते हो जिस जगह की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो अब आप उस जगह में पहुंचे, अब उस जगह में जो भाषा बोली जाती है वही आपको नहीं आती है, तो आप कैसे पूछोगे लोगों से? मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है, या मान लीजिए आपको कहीं पे भी जाना है, किसी काम से जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आपको जब भाषा ही नहीं आती तो आप कैसे लोगों से कहोगे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है? तो और लोग भी आपको जो बताएंगे रास्ता कि आगे जाइएगा, यहाँ से मुड़ना है, फिर उसके बाद ये आएगा, वहाँ से मुड़ना है, लोग आपको बताएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो किया क्या जाए? तो इस वजह से जो मैप्स होते हैं, मैप्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह यूज़ आते हैं। आप किसी भी जगह का मैप ले सकते हो और उस जगह में ये जो साइन एंड सिम्बल्स हैं उनकी मदद से आप खुद पूरा मैप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे जाने के लिए यहाँ से रोड गई है, यहाँ पे ट्रेन की लाइन आई है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे एक टेंपल आएगा, यहाँ पे समथिंग कुछ और आएगा। तो आप मैप देख के हर चीज़ जान सकते हो अगर आपको उस जगह की भाषा नहीं आती तो भी। तो घूमने फिरने के लिए या तो फिर तमाम कोई भी सर्वे वर्क करने के लिए ये मैप्स बहुत ज़्यादा फिर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर सकते हैं आपकी। मैप इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक तरीके से। यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी कि एक ऐसी भाषा है वो एक तरीके से जो हर जगह सेम है। चाहे कोई अमेरिकन कहीं जाए, चाहे कोई फ्रांस का कोई आदमी कहीं और जाए, चाहे कोई इंडियन ही कहीं और पे जाए, मैप एक तरीके की लैंग्वेज है। आप कभी यूरोप जाओ, यूरोप के किसी देश का नक्शा लो, किसी देश का या किसी जगह का आप मैप उठाओ, तो वो मैप भी उसी साइंस और सिंबल्स का यूज़ करके बना होगा जिस साइन और सिंबल्स का यूज़ करके हमारा देश बना होता है, ठीक है? तो मैप्स क्या होते हैं? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और ये जितने साइंस एंड सिंबल्स का यूज़ किया जाता है मैप्स में, देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सिंबल्स। तमाम देशों में एक प्रॉपर ये एग्रीमेंट किया गया है कि मैप्स बनाए जाएंगे तो इसी तरीके से सिंबल्स का यूज़ होगा। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। तो हर जगह का, दुनिया में किसी भी जगह का मैप बनाया जाएगा तो वो एक ही तरीके से बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैप क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक तरीके से, कि इन केस दुनिया में किसी भी जगह का कोई आदमी हो और उसे दुनिया की किसी भी जगह में जाना हो, तो जब उसे उस जगह का मैप मिले तो ये बाउंडेशन नहीं हो कि वहाँ की भाषा कौन सी है और आपको कौन सी भाषा आती है। मैप अपने आप में एक अलग भाषा है। आपने मैप्स देखना सीख लिया तो आप दुनिया का कोई भी मैप उठा लोगे तो आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मैप देख के जान सकते हो कि इस जगह में क्या है, क्या नहीं, किस तरीके जाना है, हर चीज़। अब हमारा अगला टॉपिक है स्केच एंड प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केच की। तो स्केच क्या होता है? इट इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया टू शो लोकेशन ऑफ अ प्लेस। जब किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए एक रफ ड्राइंग बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है स्केच। अब स्केच भी अगर किसी जगह की ड्राइंग है और मैप भी किसी जगह की ड्राइंग है, तो मैप और स्केच में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि मैप जब बनाया जाएगा तो प्रॉपर स्केल के साथ बनाया जाएगा, और जो स्केच बनाया जाएगा वो स्केल के साथ नहीं बनाया जाएगा। स्केच मतलब फ्री हैंड और एक रफ ड्राइंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, योर फ्रेंड ड्रॉज अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इट्स कॉल्ड अ स्केच। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्केच होता है उसमें हम स्केल का यूज़ नहीं करते हैं, और इसी वजह से उसे एक रफ ड्राइंग कहा जाएगा। मान लीजिए आपको अपने दोस्त के घर जाना है, आप अपने दोस्त से पूछो कि मैं तुम्हारे घर कैसे पहुंचूं,
और आपका दोस्त फटाफट एक कागज निकालता है और उस कागज में कुछ भी बना देता है कि मान लीजिए ये स्कूल है, आपको इस रोड में आना है, एक चौराहा पड़ेगा, यहाँ से आप लेफ्ट हो जाना, यहाँ पे आपको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, इसके बगल से एक रोड जाएगी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, यहीं पे पास मेरा घर है। मान लीजिए आपका दोस्त इस तरीके से एक फ्री हैंड एक डायग्राम बना देता है, तो ये ऑब्वियसली स्केच करके नहीं बनाया गया है, मतलब स्केल का यूज़ करके नहीं बनाया गया है। अगर स्केल का यूज़ करके बनाया गया होता तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस देखकर और स्केल से मैच करके लोकेशन और डिस्टेंस पता लगा सकते थे। लेकिन ये क्या है, रफ ड्राइंग है कि आपको दिखाने के लिए कि बस आपको यहाँ से जाना है, एक चौराहा मिलेगा, लेफ्ट हो जाना है, फिर यहाँ से राइट हो जाना है। तो ये जो रफ ड्राइंग है इसको कहा जाएगा स्केच। अब हम डिस्कस करते हैं प्लान, कि ये प्लान क्या होता है। व्हाइल मेकिंग अ बिल्डिंग और अ कॉलोनी People would want to know the length and breadth of a room, which cannot be shown in a map. जब कोई बिल्डिंग बनाई जा रही होती है या जब कोई कॉलोनी बनाई जा रही होती है तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो कमरे बन रहे हैं, कमरों की लेंथ कितनी है, कमरे कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, आप ये दिखा सको। बिल्डिंग बन रही है तो ये लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो अलग अलग कमरे हैं कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, गैलरी निकल रही तो कितनी चौड़ी गैलरी निकल रही है। तो ये जो पूरा एक स्केच बनाया जाता है, ये पूरे स्केल के साथ बनाया जाता है कि जब आपको पूरी बिल्डिंग का प्लान मिलेगा तो आप देख के समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ कमरे निकल रहे हैं, कितने कितने कमरे निकल रहे हैं, कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, गैलरी निकल रही है या कोई खाली जगह है तो कितनी लंबी कितनी चौड़ी जगह है वो, और आप उसे स्केल का यूज़ करके उसे मेजर कर सकते हो। और इस चीज़ को कहा जाता है प्लान, जिससे कि हर कोई जान सके कि ये बिल्डिंग या कॉलोनी ये जो कुछ भी है ये किस डायमेंशंस के साथ बनाई जा रही है, और इसे देख के आदमी आराम से समझ सके।